गुड इवनिंग, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को संडे अपडेट देने वाली हूँ। तो आज मैं वीडियो की शुरुआत अपने इस कैना लीली से करने वाली हूँ। तो देखिए कितने अच्छे फ्लावर आए हैं। तो ये पहली बार मेरे गार्डन में आया है फूल। नहीं तो मैं हमेशा लाती थी लेकिन खिलता नहीं था, उससे पहले बल्ब गल जाते थे। लेकिन इस बार ये खिल गया है। ये मेरा नैनीताल का सेडलिंग है। नैनीताल से मैं बल्ब लाई थी, वही है। तो ये देखिए, ये सब मेरे ये क्रोटोन प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। गमले को थोड़ा सा मैं इधर खींच लाई हूँ क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है तो गमले की मिट्टी बाहर आ जाती है, और इसी में मैंने कोलियस की कटिंग लगाई थी। और ये देखिए मेरा ये फाइकस का है, इसमें मैंने कितनी सारी कटिंग लगाई है, सारे ग्रो कर गए हैं। और इधर देखिए, ये बैंगन का प्लांट है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और इधर देखिए एक जोरा है। ये देखिए फ्रेंड, ये एक जोरा का है। आप बताइएगा ग्रोथ कर रहा है कि कुछ बेकार है। और इधर देखिए मेरे ढेर सारे इंडोर प्लांट हैं। और ये देखिए गेंदा का है, इसको मैं सीडलिंग से लगाई थी लेकिन बहुत अच्छे से ग्रो हो गया। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का है, या सेड्रेशिना भी कहते हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कुछ भी मतलब कह सकते हैं। और इधर देखिए मैं सरपुतिया और वो लगाई हूँ, सेम का है वो है। और इधर है ये गेंदा है, चलिए तो आपको घुमा देते हैं। उसके बाद इधर देखिए ये केले का है, और इसमें इसको मैंने कटिंग से लगाया था। ये वो है राखी बेल है, और ये क्रोटोन है। इसी में देखिए ये भी निकल गया है अपराजिता, इसको भी सही करना है, इसमें से निकालना है। और इसमें ये भी पूरा फैल गया है, मैंने तो एक छोटी सी कटिंग लगाई थी लेकिन ये पूरा फैल चुका है। और ये और काली हल्दी है, तो काली हल्दी का देखिए एक उसमें ये गाँठ इसमें गिर गया था तो इससे इसमें भी ग्रो हो गया। और अम्ब्रेला का है, और ये देखिए सारे मेरे कितने अच्छे से ये हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और नीचे भी देखिए क्या है, ये कैलेथिया का है। आप देखते रहिए, सारे ये इंडोर प्लांट है मेरे। और स्वीट पोटैटो, ये देखिए नाग चंपा का, और कितने अच्छे से इस पे फ्लावर आए हुए हैं। नाग चंपा की वैरायटी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, बताइएगा। ये क्रोटोन देखिए कितने अच्छे से हैवी हो रहे हैं। और इधर देखिए ये मेरा रुद्राज का है, फिलहाल ख़राब हो गया था लेकिन अब न्यू इसमें पत्तियां आने लगी हैं, न्यू ब्रांच आने लगा है। और ये बताइएगा ये किस चीज़ का फूल है, कि ये जंगली घास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बढ़ता जा रहा है लेकिन कोई फ्लावर नहीं आ रहा है इस पर। और उधर गुड़हल का है, और इधर आप देख सकते हैं ये मेरा कनेर है, हाइब्रिड कनेर है। इसमें मैंने दो तरह की कनेर लगाई है, एक पिंक है एक डार्क पिंक है, मतलब दोनों पिंक है। और इधर देखिए मैंने कटिंग से इसको भी राखी बेल को भी लगाया था, इस पर भी फ्लावर आए हैं, एक फ्लावर उधर आया है, आप देख सकते हैं। ये सीडलिंग को मैं छोड़ी हूँ, इसी के मारे मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ ताकि ये मेरा पौधा ये बीज मेरा पक जाए तब मैं इसकी कटिंग करूँ ताकि मेरा पौधा बूसी हो जाए। और इधर देखिए सदाबहार है, ये देखिए ये करी का पत्ता है। तो फ्रेंड आप बताइएगा आपको मेरी गार्डन के सलाह, कुछ मेरे गार्डन में नुकसान भी काफ़ी मात्रा में हो गया है, तो आप देख लीजिएगा। आपके पास अगर स्पेस होगा तो अपने प्लांट को बचाने की कोशिश करिएगा। आप तो इसको पहचान ही रहे हैं ये क्या है, ये देसी गुड़हल है और ये लेमन ग्रास है। चलिए और चलते हैं। देखिए स्ट्रिंग अब बनाना का है, इसको मैं कटिंग से लगाई हूँ, और इसका मेन ब्रांच तो मेरा ख़राब हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा धूप दिखाई हूँ। अभी मैं इसको इंडोर कर दूँगी, और इसको भी क्योंकि बारिश में बहुत जल्दी गल रहे हैं। और ये देखिए ये बेबी सनरोज का है, ये भी गल गया है मेरा थोड़ा बहुत। और इसमें क्रोटोन का है, इसमें ढेर सारा गुल मेहंदी का सीडलिंग है। तो इधर देखिए ये मेरा कनेर है, हाइब्रिड कनेर है, इसका भी फूल आया था लेकिन अब झड़ चुका है। और इधर सब मेरा गुड़हल की सदाबहार की वैरायटी है। इधर देखिए ये लिली का है, और ये देखिए सारी मेरे ख़राब हो गए इस बार, मेरे बहुत ज़्यादा सकुलेंट ख़राब हो गए फ्रेंड। बरसात में जगह नहीं था, मैं कहाँ इंडोर रखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सकुलेंट भी अधिक हो गए थे तो कुछ ख़राब हो गए, देखिए कितने बच जाते हैं। और ये यूफोर्बिया का है, और इधर देखिए इनको भी ये बीमारी इनकी सही नहीं हो रही है, लेकिन अब इनका इलाज फिर से शुरू करना पड़ेगा। और इधर आप देख सकते हैं ये देखिए हाड़ी मार रही है मेरे को। और ये देखिए मेरे गार्डन में कितना ये नुकसान हो गया है, ये मतलब हाइब्रिड सदाबहार था, और देखिए ये बारिश ने क्या कर दिया।
बारिश ने बहुत इनकी कमर तोड़ के रख दी है रे बाबा। तो आप देख सकते हैं, तो अगर आपके पास बचाने की सुविधा हो तो इसको बचा लीजिएगा। और ये कटिंग से लगाया हुआ समझ ही सकते हैं क्या है, गुड़हल है। और इधर देखिए मेरा कोलियस कितना अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कोलियस। और इधर देख ही सकते हैं गुल मेहंदी है, इधर मैंने सकुलेंट की वो रखी है। तो देखिए बचता है कि ख़राब होता है। फिलहाल मैं इसमें पानी तो नहीं डाले, लेकिन बारिश की जो झेसे हैं वो तो पड़ ही जा रहे हैं उड़ते उड़ाते हुए। और इधर आप देख सकते हैं अडेनियम कितना अच्छा, इसको मैं बारिश में ही छोड़ दी हूँ, लेकिन देखिए छोड़ दी हूँ, रिस्क ले ली हूँ, लेकिन देखिए ख़राब नहीं हुआ। और नहीं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। और ये देख सकते हैं पत्थर चूरा का है, और इधर देखिए पर्पल वाली वो है चांदनी है। और ये तो आप पहचान ही रहे हैं राखी बेल है, कितने अच्छे से इस पर देखिए फ्लावर आई है। गार्डन मेरा कुछ ऐसे दिखता है। और ये देखिए अमरूद का है। और इधर देखिए मैंने ढेर सारी कबाड़ से जुगाड़ की है, अब ये हो जाएगा, मतलब ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा, तब मैं अब इस पर पेंट करूँगी। मुझे पेंट करने का समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं करूँ। और इधर देख सकते हैं आप टेबल कामनी को मैं ऐसे अर्गन में टांग दी हूँ, क्या करूँ कहाँ ले जाऊँ, स्पेस नहीं है। और इधर आप देख सकते हैं सारे प्लांट मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और इसका नाम है वाटरिंग जू। सब फ्रेंड बताइएगा इसका नाम, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। और इधर देख सकते हैं ये सारे गुड़हल की वैरायटी है, ये सारे मेरे गुड़हल हैं। ये देखिए मैंने गुड़हल ये कटिंग्स लगाया था, लेकिन बारिश में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उधर देखिए उधर क्या है, ये आप पहचान सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा अलमंडा है, वो वाली है पिंक वाली। और देखिए ये इधर येलो वाली पर भी निकलने वाला है, ये क्या निकलने वाला है, कलियाँ निकलने वाली है। और ये देखिए पत्तियों में थोड़ा सा डिफरेंस है, येलो वाली का ऐसा है और पर्पल वाली का थोड़ा सा गोल है। और इधर देखिए इसका मेरा है गुड़हल है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और कुछ प्लांट तो दशा थोड़ी बुरी हो गई है बरसात में, और उनको कैल्शियम आयरन की कमी हो गई, देखिए इन्हें भी अब कमी हो रही है, अब इनका भी ट्रीटमेंट मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को भारी मात्रा में नुकसान हो उठाना पड़ेगा। और इधर देखिए मेरा हंसता खेलता ये पौधा कितने बेदर्दी से ये ख़राब हो गया है इस बारिश की वजह से, बारिश की मार झेल नहीं पाया। और एक जोड़ा है इधर गुड़हल, देखिए बहुत सारे इसमें फूल आए थे, कुछ तो मैं पूजा के लिए तोड़ ले गई सुबह, और कुछ इसी पर छोड़ दी हूँ। और इधर देखिए बैंगन का कितना भारी पेड़ है, 5 फीट तक तो होगा ही आराम से, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट है बैगन का है। ये सब गुड़हल की वैरायटी है, ये सारी गुड़हल की वैरायटी आप देख सकते हैं, टोटली ये गुड़हल ही है, टोटल आपको गुड़हल ही देखेगी, अलग अलग कलर की आपको देखने की मिलेगी। और नीचे से ऊपर तक आप जहाँ देखेंगे तहाँ गुड़हल मिलेगा। यहाँ एक एक जोड़ा है और एक येल्लो वाला अलमंडा है। तो उधर देखिए मैंने एक कटिंग भी लगाई थी, वो भी पकड़ लिया है। तो इधर उधर देख सकते हैं ये टोटल गुड़हल की वैरायटी है। उधर ये संतरे का पौधा है, तो उस पर फल देखिए लगा हुआ है, देखिए संतरे पे फल है, ये थल कमल है रंग बदला कहिए, ये भी एक गुड़हल की वैरायटी होती है। गुड़हल में 3 तरह का आता है, तो ये कहाँ की वैरायटी है मेरे को नहीं पता है। और गुड़हल के एक वैरायटी ये है जिसको रोगग्रस्त हो गया है, मैंने ट्रीटमेंट किया, देखिए कब तक ये होता है। गुड़हल की एक वैरायटी ये है, ये सारे गुड़हल हैं। ये देखिए मेरा गुलाब है, हाइब्रिड गुलाब है, हाल ही में मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है, तो न्यू बेबी इस पर उगाने लगी हैं पत्तियाँ। और ये देखिए मेरे ये सारे मेरे गल गए, और इतना बारिश हो रहा है रात दिन की सारे की दशा बुरी हो गई। और इसकी देखिए मैंने पिंचिंग कर दी थी, चलिए इसको निकाल के दिखाती हूँ। और सॉरी गिर गया, देखिए ये भी की कटिंग गिरा है, देखिए मैंने इसकी पिंचिंग की थी और कितना ये अच्छे से हो गया है। तो मैं इसकी और पिंचिंग करूँगी ताकि ये और देखने में खूबसूरत लगेगा। तो इसको आप कहीं भी लगाएंगे तो देखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत लगेगा। और इधर गुलाब है देख सकते हैं, उधर केला है, तुलसी माता है, और इधर देखिए सरपुतिया का, देखिए एक एक गांठों में फल आया हुआ है, ये सब सरपुतिया का है। तो आप भी अपने बकेट वगैरह में लगा सकते हैं सरपुतिया, और उसके फल का आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए सारे गुड़हल हैं, थोड़ी सी रोगग्रस्त हैं, अब टाइम नहीं मिल पा रहा फ्रेंड कि मैं इसका इलाज करूँ, आई एक दिन के इलाज करने में कुछ होने वाला नहीं है, इसको कम से कम हफ्ते में 2 बार तो इस पर ट्रीटमेंट करना ही पड़ना पड़ेगा। और ये सबसे बेस्ट तो ये है मेरे गार्डन में, कम केयर में बहुत अच्छे से फ्लावर देता है। और इधर आप देख सकते हैं ये और मेरा ये भी रोगग्रस्त है, पता नहीं इस बार मेरे सारे गुलाब को क्या हो गया, चाहे बाहर के गार्डन हो अंदर के हो, सारे गार्डन में भी वही दशा हो गई है।
सबको लगभग लगभग पता नहीं कौन सी बीमारी पकड़ी है। और ये बताइएगा फ्रेंड, ये किस चीज़ का ये मतलब ये जमा है, मुझे कुछ समझ में नहीं। मैंने सीडलिंग डाली थी हर गमले में और सब में से निकल के आया, तो बताइएगा ज़रूर। और इधर देखिए, हाँ ये है मेरे टिकोमा जी। और इधर जेड प्लांट हैं, इधर देखिए, इधर देखिए एक वेराइटी ये है गुड़हल की, एक वेराइटी वो देखे हैं, एक वेराइटी ये है। ये तीन तरह की वेराइटी होती हैं, जिसमें हाइब्रिड होती है और कुछ देसी होती है। और ये देखिए डबल लेयर वाली चांदनी है, बहुत अच्छे से विकास कर रहा है, बट इस पर फूल नहीं आ रहे हैं। अब इस पर फूल लाने की मुझे व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, मुझे फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, ताकि विकास तो इसका उचित हो चुका है, अब इस पर वो करना पड़ेगा। और ये देखिए, मैंने 7-8 तरीके का इसी में गुड़हल लगाया हुआ है और सब ये विकास कर चुके हैं। आप पत्तियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अलग अलग वेराइटी हैं, सारे अलग अलग उसके हैं। देखिए जब ये खिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं, 24 इंच का गमला लेकर और उसमें अलग अलग वेराइटी का गुड़हल लगा सकते हैं, बहुत अच्छा आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये देखिए, इस बरसात में पता नहीं क्या ये कैल्शियम आयरन की कमी इस प्लांटों को लगी रहती है, जितना भी सेवा कर लीजिए इनको तो कमी धरी रहेगी। और आप देख सकते हैं इनकी क्या दशा, मेरे गार्डन में सबसे ज़्यादा बुरी दशा अगर हुई है किसी की तो गुलाब की हुई है। गुलाब मेरी बहुत बुरी कंडीशन में जा रहा है, अब लग रहा है मेरे को उसका ज़रूरी हो गया ख्याल रखना। तो और ये देख सकते हैं, और ये देखिए सरपुतिया है, आप देख सकते हैं। ये केला है जो बहुत छोटे कद पर ही फरेगा। और ये बैंगन का है, इधर देखिए, इधर मैंने एक वो लगाया था, देखिए ये देखिए फ्रेंड, ये वो कुद्रुन आती है, जो कुद्रुन का मैंने एक ब्रांच लगाई थी कहीं से मांग के, और ये ब्रांच ग्रो कर गई है। और देखिए इसका यहाँ दवाई थी, तो यहाँ से यहाँ बेबी प्लांट निकल चुकी है, तो आप देख सकते हैं। और ये सब देखिए हैंगिंग सब प्लांटर हैं, बताइएगा आपको कैसा लग। और ये देखिए, इसको मैंने कबाड़ से जुगाड़ में लगाया है, देखिए इसको मैंने पॉलीथीन में लगाया है, बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। और इधर देखिए, इसमें क्या क्या जमा है मेरे को तो खुद ही नहीं पता चला। इसकी पत्तियों का डिज़ाइन कुछ अलग है, कुछ करेला है, कुछ सरपुतिया है, क्या क्या सब इसी बकेट में जम चुके हैं। और सब देखिए फल रहे हैं, देखिए कब तक फल आते हैं तो पता चलेगा मेरे को। और इसमें गोल वाली मिर्ची है, और ये देखिए पिपरी का है, और सब देख सकते हैं फ्रेंड। आप बताइएगा आपको मेरा ये गार्डन कैसा लगा, छोटा सा गार्डन है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइएगा कि आपको मेरा गार्डन कैसा लग रहा है फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग से, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। आप प्लीज़ आप सभी लोग से विनम्र विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। ज़रा सा भी आपको गार्डन पसंद आता है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत आभार जो अगर मेरा वीडियो वॉच करें।